जय श्री श्याम। मंजू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडाई, और ठंडाई बनाने के लिए हम पहले उसका पाउडर तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बनाना ठंडाई पाउडर और साथ में ठंडाई। ठंडाई बनाने के लिए हम एक कप बादाम लेंगे, आधा कप मगज के दाने लेंगे जिसे हम खरबूजे के बीज भी बोलते हैं, 1/4 कप काजू लेंगे, 1/4 कप पिस्ता लेंगे, ये पिस्ता सादा वाली है, नमक वाली नहीं है। ये सारे नट्स में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनको थोड़ी देर हम धूप लगा लेंगे जिससे हमारा जो पाउडर तैयार करेंगे वो जल्दी ख़राब ना हो, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बड़ी चम्मच भर के शुगर डालेंगे, इससे ये मिक्सचर आसानी से पीस जाता है। इसको पीसते समय हमें मिक्सी को रोक रोक के चलाना है जिससे ये थोड़ा अच्छा बारीक बन के तैयार हो। सभी नट्स हमारे पीस के तैयार हो चुके हैं, अब इनको एक बाउल में निकाल देंगे। नट्स का पाउडर हमारा पीस के तैयार हो चुका है। अब हम ठंडाई की मेन चीज़ें पीसेंगे जिससे ठंडाई का असली फ्लेवर आता है। 1/4 कप हम सौंफ लेंगे, 1/4 कप हम खसखस के दाने लेंगे, 25-30 इलायची लेंगे, ये मैंने 1/2 टीस्पून केसर लिया है, ये 2 गुलाब के फूल हैं, 2 गुलाब के फूल मैंने छाया में सुखा दिए थे 2 दिन, इनको वॉश करके पत्तियों को और थोड़ी छाया में सुखा देंगे अंदर टेबल वगैरह पे, तो ये अच्छे से सूख के इस तरह से तैयार हो जाएंगी। इसमें हम डाल देंगे ये 1 टेबल स्पून हम काली मिर्च डालेंगे। ठंडाई का फ्लेवर इन सभी चीज़ों से बहुत अच्छा आता है, इनको भी हम रुक रुक के पीसेंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के चीनी डालेंगे, चीनी डालने से ये चीज़ें जल्दी से पीस जाती हैं। इसका भी हम पाउडर पीस के तैयार करेंगे। ये वाला भी पाउडर हमारा पीस के तैयार हो चुका है, इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये नट्स का पाउडर भी पहले हम इसमें डाल लेंगे। जब ये सारे नट्स का पाउडर बनाएंगे थोड़ा सा दरदरा रहता है, ये बिल्कुल बारीक पीस के तैयार नहीं होता। और जब हम इसकी ठंडाई बना के पीते हैं तो हल्के हल्के नट्स जब मुँह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं वो। और अगर आपको मोटा इस तरह से दरदरा पिसा हुआ पसंद नहीं हो तो आप इसको छान के भी यूज़ कर सकते हो। छानने के बाद जो थोड़ा सा मोटा निकलेगा उसमें वापस से थोड़ी सी शुगर मिला के इसको बारीक पीस सकते हैं। और इस तरह से हम इसको दोनों पाउडर को मिक्स कर लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको 1-2 घंटे के लिए हम इसको बाउल में ही रहने देंगे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब इसको हम बॉटल में भर के रखेंगे। इसको एकदम गरम गरम नहीं भरना है, मिक्सी में चलाते समय पाउडर थोड़ा गरम हो जाता है। ठंडाई पाउडर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको हम एयरटाइट कंटेनर में भरेंगे। कंटेनर हमारा बिल्कुल अच्छे से सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। ज़रा सा भी अगर गीला होगा तो हमारा ठंडाई का मिक्सचर ही बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ठंडाई पाउडर को जब आप जार में भरेंगे तो उससे पहले इसको 1.5-2 घंटे के लिए इसको एक बार बाउल में ड्राई होने के लिए ज़रूर रख दें, उसके बाद ही बॉटल में भरें इसको। ये ठंडाई पाउडर हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब इससे हम ठंडाई तैयार करेंगे। ठंडाई बनाने के लिए हम इसमें से 2 टेबल स्पून ठंडाई पाउडर को 3-4 चम्मच पानी में हम भिगो देंगे। अगर हम इसको 1.5-2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे तो इससे एक तो इसकी तासीर बहुत ठंडी हो जाती है, ठंडाई की तासीर ठंडी होनी चाहिए तभी पीने का मज़ा है उसका, और इसमें जो एक सारे फ्लेवर है काली मिर्च की इलायची वगैरह के फ्लेवर और अच्छे से उभर के आते हैं। इसलिए अगर हम 1.5-2 घंटे के लिए इसको भिगो देंगे और फिर ठंडाई बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी ठंडे दूध में डाल के बना सकते हैं। तो अब इसको हम 1.5-2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे, फिर इसे ठंडाई तैयार करेंगे। ठंडाई पाउडर को घुले हुए 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, अब इसको हम एक गिलास में डालेंगे। एक चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे, चीनी को हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मैं पिसी हुई डाल रही हूँ, आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। क्रश आइस डालेंगे,
और इसमें दूध डालेंगे। होली आने वाली है, आप इस ठंडाई को एक बार ज़रूर ट्राई करें, खुद भी पिएं और सबको पिलाएं। और ये कैसी लगी अपने कमेंट्स मुझे बताएं। घर की ठंडाई बनी हुई बहुत टेस्टी लगती है। पहले हमारे टाइम में हमारी नानी दादी ये सब घर की ठंडाइयाँ बहुत बनाती थी। ये पीने में बहुत टेस्टी लगती है और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। हमारी ठंडाई अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।